मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूं EMRS हॉस्टल वार्डन रिक्रूटमेंट की। तो ये EMRS भर्ती क्या है हॉस्टल वार्डन की, इसको जानेंगे और कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, क्या एज लिमिट है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये EMRS है क्या? तो EMRS आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। ये एक आवासीय स्कूल होता है जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट को वहीं रेजिडेंशियल मोड में ही रहना होता है। तो कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि बैचलर डिग्री और 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी जिसके पास भी बैचलर डिग्री है इन एनी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट कॉमर्स से हो, यानी जिसने भी BA, BCOM, BSc, BLED, BTech, BR, मतलब यहाँ कोई भी जो ग्रेजुएशन वाली डिग्री है ना, वो सारे यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे दे रखा है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी जिसने भी BA एड या BSc एड कर रखा है वो भी यहाँ पे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे एज लिमिट क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, यानी यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 इयर्स है। OBC को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन है, उनके लिए 38 है। और वहीं SC ST का यहाँ पे 40 इयर्स है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो और ये जो एज है आपका, जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी 18 अगस्त है, यानी इसके ही अंडर आपकी ये एज होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट है हॉस्टल वार्डन की और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सभी पे बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो EMRS की TGT की पोस्ट आई थी उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। EMRS आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। इसको जो संचालित करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको संचालित करती है, खासकर ST स्टूडेंट को शिक्षित करने के लिए। और फ्रेंड्स, जो इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है और इसको आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म की फ़ीस है जनरल और OBC के लिए यहाँ पे 1000 है। और वहीं अगर हम बात करें SC ST PWD की, तो उन लोग के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट आपकी 669 है, मेल की यहाँ पे 335 एंड फीमेल के लिए 334 यहाँ पे पोस्ट है हॉस्टल वार्डन की। अब चलिए हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है। यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट है, तो जो मेल हैं उनके लिए, मेल में जनरल वालों के लिए 137 पोस्ट है, EWS के लिए 33, OBC के लिए 90 और SC के लिए 50, ST के लिए 25 और ESM यानी एक्स सर्विस मैन की यहाँ पे पोस्ट 33 है। वहीं बात करें अगर फीमेल की, तो जनरल कैटेगरी में 136 पोस्ट है, EWS में 33, OBC में 90, SC में 50, ST में 25, वही एक्स सर्विस फीमेल कि यहाँ पे 33 पोस्ट है। अगर मेल फीमेल दोनों लोग की टोटल पोस्ट मिलाकर यहाँ पे 669 पोस्ट है EMRS हॉस्टल वार्डन की। और यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकता है। और यहाँ पे जो पे स्केल है, बेसिक जो आपकी रहेगी 29,200 है, HRA TA DA मिलाकर आपका जो टोटल रहेगा पे स्केल वो आपका 50,000 रुपीज़ है। और जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका OMR सीट पे, यानी आपका जो ऑफलाइन पेपर रहेगा, लेकिन जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो आपकी ऑनलाइन है। आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपका ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके आएंगे, कितने कितने मार्क्स के। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है और OMR बेस्ड ये आपका एग्ज़ाम रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 120 रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। और टाइम जो आपके पास रहेगा वो 150 मिनट, यानी आपके पास 2.5 घंटे का यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आपके पास रहेगा। तो कहाँ से आपके जो टेस्ट आएंगे वो बता दूं मैं आपको, तो जनरल अवेयरनेस से आपके आएंगे, GS से आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, कंप्यूटर साइंस से आपका जो नॉलेज ऑफ ICT से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, चिल्ड्रन एक्ट से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो रहेंगे आपके वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, और लैंग्वेज कंपिटेंसी से आपके क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक
10 नंबर का आपका रीजनल लैंग्वेज से भी आएगा। अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी है और रीजनल लैंग्वेज भी आपकी हिंदी ही है तो आप ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी यूपी वाले हैं उनकी भी रीजनल लैंग्वेज हिंदी ही है तो वो दो बार यहाँ पे हिंदी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 18 लैंग्वेज यहाँ पे दे रखी है, इसमें से आप कोई भी एक जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप उसका चुनाव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, मतलब आपका 4 गलत क्वेश्चन पर 1 सही जो प्रश्न का उत्तर है उसका नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी 0.25 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। तो आपको बहुत ही ध्यान से पेपर करना होगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। और फ्रेंड्स ये आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं 18 लैंग्वेज यहाँ पे दे रखी है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें से जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है लेकिन आपकी ये फर्स्ट लैंग्वेज से थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, थोड़ा इसका जो लेवल है वो हाई लेवल का रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है क्योंकि ये जो इसकी PDF है काफ़ी ज़्यादा है। इस वीडियो में इतना ही, मैंने जो शॉर्ट में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है EMRS हॉस्टल वार्डन का, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जो भी यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और फ्रेंड्स जो मैंने EMRS TGT के लिए बताया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।